फ्रेंड्स, आई एम अप्रति, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि कॉस्मोस प्लांट पर होगी। एक कमेंट आया था कि आप कॉस्मोस प्लांट पर भी वीडियो शेयर कीजिए, तो हमारे व्यूअर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करते हैं, क्वेरीज क्वेश्चंस का आंसर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। तो ये हमने सीड से ग्रो नहीं किया है, ये एक छोटा सा पौधा हमें मिला था तो उसको ही हमने लगाया हुआ है एक पॉट में और अब उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। कभी कभी ये पौधा लगाने के बाद मुरझा जाता है तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप प्लांट की सभी लीव्स कट कर दीजिए और पौधा लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक उसको धूप में नहीं रखना चाहिए। और अगर मुरझा जाता है तो पत्तियों को कट कर दीजिए, कुछ ही दिन में आपका पौधा ठीक हो जाएगा। उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, बहुत हल्की सी नमी बनाकर रखनी है क्योंकि जो पत्तियाँ होती हैं वो खाना बनाने का काम करती हैं और प्लांट की रूट्स सेट हुई नहीं है और प्लांट अगर खाना बनाना शुरू कर देगा तो फिर वो मर सकता है। इसीलिए सभी पत्तियाँ आप कट कर दीजिए अगर वो मुरझाने लगी हैं तो हमारा प्लांट बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हमें दे रहा है। ये प्लांट एक ईजी टू केयर प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये लगभग 8 इंचेस के पॉट में लगाया हुआ है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो एक ड्वार्फ वैरायटी होती है यानी बॉनी प्रजाति होती है, उसको आप 6 इंचेस के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर ये बड़ा वाला पौधा है यानी कि जो 3 से 5 फीट हो जाते हैं पौधे, अगर वो वाली वैरायटी आपके पास है तो मिनिमम आप उसको 8 इंचेस का पॉट दीजिए और 12 इंचेस के पॉट में आप 2 से 3 पौधे भी एक साथ लगा सकते हैं। तो जो अभी आपने पहले देखा वो सिंगल पेटल वाला कॉस्मोस था और जो आप अभी देख रहे हैं ये डबल पेटल वाला कॉस्मोस है। ये ज़मीन में लगाया हुआ है और आप देख ही सकते हैं इसका फूल का साइज़ कितना बड़ा है। तो दोनों अलग अलग हैं, आप कोई भी ग्रो कर सकते हैं, सिंगल पेटल, मल्टी पेटल्स, और इसमें ड्वार्फ वैरायटी आप ग्रो कर सकते हैं या ये बड़ी वाली जो कि 3 से 5 फीट हो जाता है इसका प्लांट, ये ग्रो कर सकते हैं। ईजी टू केयर है, किसी भी मौसम में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में भी इसकी फ्लावरिंग मिल जाती है, गर्मियों में भी इसकी फ्लावरिंग मिल जाती है और रेनी सीजन में भी आप इसके सीड से कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए, इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए, हम आपका क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताया कीजिए। कॉस्मोस प्लांट में ज़्यादा इंसेक्ट अटैक नहीं होता है, ज़्यादातर इसमें 2 परेशानियाँ आती हैं। एक, जो पत्तियाँ कर्ल हो जाती हैं यानी मुड़ जाती हैं, तो उसको आप शुरू से ही कंट्रोल कीजिए। अगर आपको पत्तियाँ मुड़ी हुई दिखें उनको आप कट कर दीजिए तुरंत और गार्डन से दूर फेंकिए, क्योंकि उसमें एक मक्खी होती है जो अंडे दे देती है तो उसमें अंदर ही अंदर वो पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं। और ज़्यादा अटैक हो चुका है तो उस पोर्शन को आप कट कर दीजिए और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, प्लांट फिर से ठीक हो जाएगा। और इसमें मिलीबग अटैक होता है दूसरा, जो कि मैरीगोल्ड में भी होता है, तो उसको आप शुरू से ही कंट्रोल कर सकते हैं। साधारण पानी से उसको वॉश कर दीजिए और ज़्यादा अटैक हो चुका है तो आप उसको जो नीम ऑयल का स्प्रे हमने बताया हुआ है, जो कि रोज़ प्लांट की पत्तियां कर्ल हो गई थी उस वीडियो में हमने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, तो वो आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, उससे आपका प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो इसके सूखे हुए फूल हैं, अगर आपको सीड्स नहीं बनाने हैं तो इनको हटाते रहिए, इससे प्लांट की एनर्जी सेव रहती है और प्लांट और भी ज़्यादा फ्लावरिंग कर पाता है। ये तो सभी प्लांट में हम आपको बताते ही हैं, बाकी ये मैरीगोल्ड की तरह ही इसकी केयर करनी होती है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी है। हल्की नमी मिट्टी में बना कर रखिए, कम से कम 3 घंटे की धूप दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी धूप आप दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तो बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो एक बार उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और पॉट में लगाया हुआ है तो आप 1 या 2 बार इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए, आपको काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कैसे करना होता है किसी भी पॉट में, तो अगर मिट्टी कम है पॉट में तो हटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे हमारे पॉट में मिट्टी ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ा सा निकाल देते हैं इसमें से और फिर इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। तो हल्की सी गुड़ाई करेंगे इसमें और फिर इसमें 2-3 मुट्ठी आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और सर्दियों में तो आप इसमें सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें गोबर की खाद ऐड कर दी है थोड़ी सी, 2-3 मुट्ठी आप ऐड कर देंगे उसी में ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको दे देगा। जैसे कि हमने बताया ही है ये एक ईजी टू केयर प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है। तो इसमें ये हमने फर्टिलाइज़र इसमें डाल दिया है और ऊपर से इसमें 1 लेयर आप मिट्टी की बना दीजिए, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है वो सूखना नहीं चाहिए। तो हम इसमें ऊपर से जो मिट्टी हमने वापस से निकाली थी उसको डाल देते हैं, कवर कर देते हैं उसको,
और फिर इसमें हल्की सी नमी बना देंगे। तो इस प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी नमी बनाइए और सनलाइट कम से कम 3 घंटे की दीजिए। फर्टिलाइज़र आप कोई भी दे सकते हैं जो भी आपके पास हो, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग आप पा सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो ज़रूर पूछिए, क्वेश्चंस हो ज़रूर पूछिए, कोई डाउट हो तो वो हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो प्लांट हमारे पास होता है हम उसे शेयर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि आप ये प्लांट के बारे में बताइए, और अगर वो प्लांट नहीं है तो आप वेट कीजिए, जैसे ही हमें वो प्लांट मिलेगा जो हमारे पास नहीं है और आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो हम जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से इसमें हम पानी दे देते हैं अच्छे से शुरू में। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो आपको बहुत सारे फूल देता है और हमेशा ही फूल देता रहता है। थैंक यू।